अगर आप कनाडा में टूरिस्ट वीजा पे हैं, तो कैसे कर सकते हैं अपने टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट या फिर डायरेक्ट पीआर में कन्वर्ट? इतना खज्जली क्यों होना? अगर ये आपका क्वेश्चन है तो इसका एक सीधा सीधा आंसर है हमारे पास, और आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे बिना इवन LMIA के भी आप अपना टूरिस्ट वीजा वर्क परमिट या फिर डायरेक्ट पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें हमारे साथ आज की ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ जॉनी हंस और लेके हाजिर हूँ आज की ये खास वीडियो। और अगर आप इस YouTube चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जी मैं बता दूं, मैं हूँ एक CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड अ पोएट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार इस YouTube चैनल के साथ मेरा दिल का रिश्ता है, क्योंकि पहली वीडियो से लेके अब तक की वीडियो से उतने ही प्यार उतने ही शौक से मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं। तो इस YouTube चैनल पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए बात करते हैं, अगर टूरिस्ट वीजा पे हैं आप कनाडा में या फिर कनाडा में एज अ टूरिस्ट आने वाले हैं, आप सोचते होंगे कि यार वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करवाएंगे उसको, या फिर आप उसको डायरेक्ट पीआर में कैसे कन्वर्ट करवा पाएंगे। तो सर आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हो, यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूँ कि टूरिस्ट वीजा कनाडा आजकल धड़ाधड़ इशू कर रही है। वो बात सच है कि पेंडेमिक के बाद सारी की सारी इकोनॉमीज में अब होड़ मची हुई है कि यार हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो टूरिज्म इज वन ऑफ द की वे जहां से कनाडा अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है। और वैसे भी कनाडा के पास बहुत खूबसूरत चीजें हैं दिखाने के लिए टू गेट मोर टूरिस्ट। और अगर आप कनाडा में एज अ टूरिस्ट आओगे, ये बात पक्की है, यू गोना फॉल इन लव विद द ब्यूटी। अब बात करते हैं कि यू नो जब हम टूरिस्ट वीजा पे अब आ जाते हैं, ज्यादातर लोगों का होता है कि यार या तो हम यहाँ पे एज अ वर्कर रुक जाएं या फिर डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंट हो जाएं। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है। वैसे ज्यादातर लोगों को जो तरीका पता है वो है कि LMIA, कि अगर लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट जो प्री अप्रूव्ड बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के पास पड़ी होती हैं, अगर वो मिल जाए तो उससे वो यू नो अपना वर्क परमिट करवा लेती हैं। सबसे पहले अगर नहीं इसका पता, मैं बता देता हूँ, आप किसी भी फील्ड में, मान लीजिए अगर आप कुक हैं, मान लीजिए अगर आप ऑटोमोटिव मैकेनिक हैं, मान लीजिए आप प्लम्बर हैं, आप किसी भी यहाँ पे बिजनेस के पास जाइए जिनको वो उस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरह के एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, उस ट्रेड में रिक्वायरमेंट है, वो आपको अप्रूवल दे देंगे, जॉब लेटर दे देंगे। अगर तो उनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, 3 महीने या 1 महीने की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है कि हमें एम्प्लॉय चाहिए। अगर उनको कोई कनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट नहीं मिलता, जो बहुत केसेस में नहीं मिलते, स्पेशली छोटे शहरों में नहीं मिलते उनको, तो फिर वो किसी भी फॉरेन वर्कर को, चाहे वो टूरिस्ट हो, किसी भी स्टेटस पे हो, वैलिड स्टेटस पे होना चाहिए बंदा, उसको वो दे के यू नो जॉब ऑफर के बेसिस पे LMIA अप्रूव हो जाती है उस बंदे या बंदी के नाम पे, और फिर आपका जो वर्क परमिट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब ये वर्क परमिट आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो LMIA के यूज करके, या फिर आप बॉर्डर पे जाते हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे पास यू नो IELTS स्कोर नहीं है, क्या तब भी हमारा वर्क परमिट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल वर्क परमिट हो सकता है। अगर आप वो LMIA लेके बॉर्डर पे जाते हैं और आप उस ऑफिसर को ये कन्विंस कर देते हैं कि यार एम्प्लॉयर को मेरी ज़रूरत है और मेरी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी खासी हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं है लैंग्वेज स्किल्स की, अगर आप उसको कन्विंस कर देते हो, देन बहुत सारे केसेस में जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपको जो आपका वर्क परमिट है वो ग्रांट कर देते हैं, दे गिव यू द वर्क परमिट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि LMIA इसको लेके बड़ी होड़ मची हुई है, कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 45,000 मांग रहा है, तो वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास LMIA नहीं है, वट इज़ द अदर ऑप्शन यू हैव? रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के तहत अगर आपके पास RNIP आपकी अप्रूव होती है, उसमें आपके पास ऑप्शन है एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट लेने का भी, यानी उसके थ्रू भी विदाउट एनी LMIA, नो LMIA व्हाटसोएवर, आप अपने वर्क परमिट को भी ले सकते हैं, अपनी PR की एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी डायरेक्टली। अच्छी बात यह है कि इस PR की एप्लीकेशन में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे सारे इस पूल में आ सकते हैं, यानी कहने का मतलब है एक स्टूडेंट अगर कनाडा में आता है ना भाई, तो वो कम से कम
18 36,000 हो गया उसकी ट्यूशन कॉस्ट, 10,000 उसकी बन गई GIC, 46,000 बाकी खर्चे डाल के कर करा के 50,000 से $60,000 खर्च कर देता, फिर जाके परमानेंट रेजिडेंट होता, मम्मी डैडी उसके तब भी PR नहीं हो पाते। बट अगर आप एक RNIP के थ्रू एक आपके फादर या मदर परमानेंट रेजिडेंट होते हैं तो इमेजिन कीजिए आपकी पूरी की पूरी फैमिली, पूरे का पूरा टब्बर आपका जो है वो PR हो जाएगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ऐसे ही और भी प्रोग्राम्स होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट SIMP, इफ आई टॉक अबाउट यू नो अल्बर्टा का जो रूरल स्ट्रीम है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि और कौन से PR के प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू आप कनाडा में डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं, तो आप हमारे टीम मेंबर्स के साथ अपना एक सेशन बुक भी कर सकते हो। सेशन बुक करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। या नहीं, अगर नहीं भी यू नो आपने पे करना, तो आप हमारी YouTube की जो वीडियोज हैं उनमें टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी शेयर, चेकआउट दोज वीडियोज, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। अगर ऑलरेडी आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और आपको लग रहा है कि जॉनी ने इस वीडियो में अच्छी जानकारी दी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यू नो एंड ऑफ द वीडियो वी विल शेयर सम ऑफ द मोर वीडियोज इफ यू वॉन्ट, सो दैट यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। और किस तरह की वीडियोज आप चाहते हैं हम आपके साथ शेयर करें, तो उसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मैं एक और बात बता दूं, अगर आपके पास यू नो आपका टूरिस्ट वीजा कम भी रह जाता है, तो आप जिनके पास मल्टीपल एंट्री होती है आप जाके वापस भी आ सकते हैं। बट ये बात सच है कि अगर किसी के पास प्री अप्रूव्ड LMIA, कुछ कंसल्टेंट्स को पता होता है, कुछ एम्प्लॉयर्स के पास प्री अप्रूव्ड LMIAs हैं, स्पीक टू देम। अगर वो LMIA आपको दे देते हैं तो सिर्फ LMIA लेके आपको पेपर वर्क कंप्लीट करके इमिग्रेशन को सबमिट करवाना होता है, और आपको आपका जो वर्क परमिट है वो टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट में मिल जाएगा। आई एम श्योर दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। और अगर आपको कोई और सजेशन है, कोई टॉपिक्स है जिन पे चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट, वेदर इट इज रिलेटेड टू टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या फिर इमिग्रेशन प्रोग्राम्स। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेता हूं इजाजत। वेदर बहुत अच्छा है, मैं भी थोड़ा सा घूम फिर लेता हूँ, आप भी कीजिए एंजॉय, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।